दोस्तों, मैं सुनील जैन आज आप सभी को पुनः उस संस्कृत साहित्य की श्रृंखला में आज विवाह के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। आप लोग कृपया ध्यान से इस विवाह के प्रकरण को सुने और देखें, जो कि 8 प्रकार के विवाह हैं। उन 8 प्रकार के विवाहों में से आज हम केवल 5 प्रकार के विवाहों के बारे में समझेंगे और अगले वीडियो में अन्य 3 प्रकार के जो विवाह रहेंगे उनके बारे में, और फिर और जो विवाह से लाभ हानियां और भी जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं, जो पहले 4 प्रकार के विवाह हैं वह तो समाज में प्रशंसनीय कहे गए हैं, और जो 4 लास्ट के विवाह हैं बाद वाले वह अप्रशंसनीय विवाह कहे गए हैं। जो 4 प्रशंसनीय विवाह हैं वह यहाँ पर हम देखते हैं। देखें, जो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, ब्राह्म विवाह या फिर ब्रह्म विवाह भी इसे कहा जाता है। जो पहले नंबर का विवाह है वह देखें तो इसमें क्या होता है, सर्वगुण संपन्न वर को आमंत्रित कर जो पिता है वह स्वयं क्या करता है, यथाशक्ति धन धान्य को देकर के कन्या का विवाह करता था। मतलब जो भी यथायोग्य वर होता था और वो भी सर्वगुण संपन्न वर इसमें लिया जाता था। इसमें क्या होता था, दोनों पक्षों की सहमति होती थी, बराबर कन्या की भी फिर उसमें सहमति हुआ करती थी। इस प्रकार से सुयोग्य वर के साथ कन्या का विवाह होता था, इसे अरेंज्ड मैरिज भी कहा जाता है वर्तमान में। और क्या है, जो ऋग्वेद में इसका एक उदाहरण आया है इस प्रकार के विवाह का, कि सूर्या और सोम, सोम और सूर्या का जो विवाह हुआ था वह ब्राह्म विवाह के अंतर्गत माना जाता है। अब देखें, दूसरा जो विवाह है वह है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता था, तो जो पुरुष देव यज्ञ करता था वह देव यज्ञ जो कराने वाला पुरोहित होता था उस पुरोहित को अपनी कन्या का दान देता था, उस देव यज्ञ करने का स्वरूप कन्या का दान देता था। या पर ऐसे शब्दों में भी कह सकते हैं कि किसी सेवा कार्य के मूल्य के रूप में अपनी कन्या का दान दे देना या फिर अपनी कन्या को दान में दे देना, यह कहलाता था देव यज्ञ, दैव यज्ञ कहलाता था। इसमें क्या होता था कि सामने वाले को दान स्वरूप कन्या दे दी जाती थी, इसमें किसी भी प्रकार से पूछा नहीं जाता था कन्या से, ना कोई सलाह ली जाती थी किसी से। पर देखें, यह जो विवाह है केवल ब्राह्मणों में प्रचलित है, यह विवाह केवल ब्राह्मणों में ही प्रचलित है, क्योंकि जो देव यज्ञ आदि यज्ञ है वह पुरोहित कराता था। अब देखें, आर्ष विवाह इसमें क्या था, इसमें यज्ञादि कर्म के लिए क्या करते थे, एक या दो गोमिथुन को देकर के कन्या का कन्यादान कर दिया करते थे। मतलब जो भी पुरुष होता था वह कन्या के पिता आदि को क्या करते थे, एक या दो गोवंश या फिर गाय आदि का दान करके कन्या से विवाह कर लिया करते थे, या फिर कन्या पक्ष वाले कन्या का मूल्य स्वरूप दिया करते थे। यह भी अपन कह सकते हैं कि मूल्य स्वरूप दिया करते हैं, लेकिन यहाँ प्रमुख बात यह है कि यह यज्ञ आदि कर्म हेतु गौ आदि का दान दिया जाता था। इसमें जो वर पक्ष वाले हैं वह इस प्रकार का दान दिया करते थे। अब देखें, जो तीसरा है प्रजापत्य, इसे प्रजापत्य भी कहते हैं और प्रजापत्य भी कहते हैं। तो देखें इसमें क्या है, इस विवाह में सुयोग्य वर के साथ, जो भी कन्या का पिता है वह सुयोग्य वर के साथ या फिर संस्कार योग्य वर के साथ, जिसके साथ संस्कार संभव है उस प्रकार के वर के साथ क्या करता था, कन्या की सहमति के बिना, इसमें कन्या की सहमति नहीं ली जाती थी और कन्या की सहमति के बिना ही संस्कार योग्य वर के साथ उसका संबंध कर देता था। यह तो था प्रजापत्य विवाह। इसमें एक पंक्ति प्रचलित है, सह धर्मम चरत इति प्रजापत्यः, सह धर्मम चरत इति प्रजापत्यः। इस प्रकार से अगला एक अभी एक और पंक्ति दी है, सहोभौ चरताम, मतलब एक साथ चले अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार का उपदेश इस प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत दिया जाता था। अगला देखें, जो पांचवा विवाह है वह है आसुर विवाह। आसुर विवाह में क्या होता था, तो पुरुष कन्या के पिता को यथाशक्ति धन देकर विवाह करता था, मतलब कन्या को पैसे से खरीद लेता था, अपने शब्दों में सीधा कहा जाए तो इस प्रकार से यह विवाह होता था, और जितनी उसकी शक्ति होती थी वह उस शक्ति के अनुसार कन्या के पिता को धनादि देकर और कन्या को ग्रहण कर लेता था या फिर उससे शादी कर लेता था। इसे मानुष विवाह भी कहा जाता है, यह मानुष विवाह के नाम से प्रचलित है। तो इस प्रकार से 5 विवाह हैं, इनमें जो 4 विवाह थे वो तो प्रशंसनीय कहे गए थे, और जो नीचे से 5 से प्रारंभ होंगे अगले 8, ये कैसे रहेंगे, अप्रशंसनीय विवाह। इसमें एक और अपन देख लें, जो गांधर्व विवाह है ये देख लेते हैं।
वीडियो में अपन इसे थोड़ा सा समझेंगे। इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर में आपस में निश्चय करके और विवाह करते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई घर की या फिर किसी भी व्यक्ति की सहमति नहीं लेनी पड़ती है। इसे वर्तमान में लव मैरिज भी कह सकते हैं कि लव मैरिज उसने कर ली या फिर इस प्रकार से संबंध बना लिए तो ये कहा जा सकता है। इस विवाह के लिए जो गांधर्व विवाह है, इस विवाह की जो महाभारत ग्रंथ है उस महाभारत ग्रंथ में पितामह भीष्म ने इसकी प्रशंसा की है, इस प्रकार के विवाह की। और जो दुष्यंत और शकुंतला का आपने नाम सुना होगा, तो दुष्यंत और शकुंतला का विवाह भी गांधर्व विवाह कहलाता है। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था भरत, उस भरत के नाम पर भारत इस देश का नाम पड़ा। और इस विवाह को युद्ध से संपन्न विवाह भी कहा जाता है, क्योंकि इस विवाह में युद्ध की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यदि कोई प्रश्न आ जाए कि युद्ध से संपन्न विवाह कौन सा विवाह है, तो सीधे अपन को बिना सोचे समझे ये उत्तर देना है कि गांधर्व विवाह। अब इसमें लेकर एक प्रमुख चीज ध्यान रखना, इसमें दोनों पक्षों की सहमति ना होकर केवल स्त्री और पुरुष की सहमति होती है, और यह अप्रशंसनीय विवाह की कोटि में आता है। इस प्रकार से आज हमने इन छह प्रकार के जो विवाह हैं, इन विवाहों को समझा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो अगला वीडियो होगा उस अगले वीडियो में इन विवाहों के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी रह गई है वह जानकारी हम कंप्लीट करेंगे। नमस्कार दोस्तों।